हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए डेली करंट अफेयर्स। आज 17 दिसंबर है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में क्रिस्टल अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा किसने की है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर ए विश्व आर्थिक मंच। आपको याद रखना है क्रिस्टल अवार्ड 2020 की घोषणा किसने की है? विश्व आर्थिक मंच ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में विजिटर अवार्ड 2019 कौन प्रदान करेगा? ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी वेंकैया नायडू, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको आंसर बता दें। आंसर बी रामनाथ कोविंद। आपको याद रखना है विजिटर अवार्ड 2019 कौन प्रदान करेगा? रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? ए 13 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। आपको आंसर बता दें। आंसर डी 16 दिसंबर। आपको याद रखना है विजय दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। ये हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में 100 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। आपको आंसर बता दें। आंसर सी पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है 100 दिवसीय कार्यक्रम में कौन पहले पर है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी शिखर धवन। आपको आंसर बता दें। आंसर ए रोहित शर्मा। आपको याद रखना ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर छः, हाल ही में सभी वाहनों पर फास्टैग कब से अनिवार्य हुआ है? ए 13 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। आपको आंसर बता दें। आंसर सी 15 दिसंबर। आपको याद रखना फास्टैग कब से अनिवार्य हुआ है सभी वाहनों पर? 15 दिसंबर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, किस राज्य की सरकार मार्च 2020 में ओरछा उत्सव की मेज़बानी करेगी? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। आपको आंसर बता दें। आंसर ए मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है मार्च 2020 में ओरछा उत्सव की कौन करेगा मेज़बानी? मध्य प्रदेश सरकार। आगे क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेटेड अवार्ड किस राज्य ने जीता है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी असम, डी गुजरात। आपको आंसर बता दें। आंसर ए उड़ीसा। आपको याद रखना वर्ल्ड हैबिटेटेड अवार्ड किसने जीता है? उड़ीसा ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, हाल ही में यूरोपीय संघ के समझौते से किस देश को बाहर कर दिया है? ए पोलैंड, बी ब्राज़ील, सी केन्या, डी श्रीलंका। आपको याद रख आंसर बता दें। आंसर ए पोलैंड। आपको याद रखना है यूरोपीय संघ से किसको बाहर कर दिया है, किस देश को? पोलैंड को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दस, स्वेज कंपनी ने किस जगह जल पुनर्वास किया है? ए हैदराबाद, बी मंगलूर, सी पणजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर बी मंगलूर। आपको याद रखना स्वेज कंपनी ने जल का पुनर्वास कहाँ किया है? मंगलूर में। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।